ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक में आते हैं। हाउ द हॉटेस्ट समर एवर अफेक्टेड द आर्कटिक, यानी अब तक की सबसे भीषण गर्मी 2023 ने आर्कटिक को कैसे प्रभावित किया। तो आप कहेंगे सर तो आप एनवायरनमेंट पाई चुके हैं, नहीं थोड़ा अलग टॉपिक है। जीएस पर पहले आपको मुद्दा दिखाता हूं, आप जरा NOAA, ये क्या है? नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, NOAA, राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन की एनुअल वार्षिक आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड, यानी आर्कटिक जैसे आपका हमारा रिपोर्ट कार्ड आता है, वैसे आर्कटिक का रिपोर्ट कार्ड मेरे प्यारे बच्चों 13 दिसंबर 2023 को जारी किया। इस संस्था ने NOAA ने क्या किया, आर्कटिक का रिपोर्ट कार्ड जारी किया 13 दिसंबर को, यानी 2 दिन पहले, याद रखिएगा। अब ये अमेरिका की एक एजेंसी है, सिंपल सी बात है, किसकी, अमेरिका की एक एजेंसी है, और किस चीज का अध्ययन करती है, इस प्लेनेट पर, इस पृथ्वी पर एनवायरमेंट की स्टडी करती है, ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके बाद कहा गया भाई जो पिछला वर्ष था 2022 वाला, वो आर्कटिक में 1900 के बाद छठा सबसे गर्म वर्ष था, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, पास्ट ईयर वाज द 6th वार्मेस्ट ईयर, इसका मतलब है अगर आपको ये याद रहेगा, नारे 6th से मतलब यानी आर्कटिक गर्म हो रहा है, सिंपल सी बात। तो अब इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर आर्कटिक गर्म हो रहा है तो उसकी गर्मी का क्या इंपैक्ट होगा, आप जरा यहां पर विचार करेंगे, आर्कटिक अगर गर्म है बच्चे तो इस गर्मी का क्या इंपैक्ट होगा, आप जरा सोचिए। तो भाई क्या होगा, आर्कटिक में तापमान वृद्धि बढ़ेगी तो वाइल्ड फायर्स, ऑब्वियसली जंगल की आग, उसके आसपास के जो एरिया है, क्योंकि जितने भी ड्राई लीव्स हैं, सूखी पत्तियां होंगी, स्वाभाविक है वो आप मतलब उस गर्मी का शिकार होंगी और वहीं से आग निकल करके पूरे जंगल में फैलेगी। फिर होगा कम्युनिटी इवैक्यूएशन, यानी अब जब ये बर्फ पिघलेगी तो आसपास फ्लड की कंडीशन बनेगी, तो हमें लोगों को वहां से भागा, यानी जो किसी एक प्लेस पर रहते हैं उनको वहां से डिस्प्लेस करना पड़ेगा, यानी हम कह सकते हैं फोर्स्ड माइग्रेशन, क्या कह सकते हैं, सामुदायिक निकासी, कम्युनिटी इवैक्यूएशन जिसे हम बोल सकते हैं, फोर्स्ड माइग्रेशन, याद रखिएगा, क्या करना है, फोर्स्ड माइग्रेशन यानी बलात् प्रवासन, क्या है, बलात् प्रवासन, यानी जब भी हम एक अपनी इच्छा से ना जाए, कोई भी सख्त के द्वारा, चाहे वार हो रहा है तो भी आपकी इच्छा नहीं, आपको जाना पड़ेगा, रशिया यूक्रेन के ढेर सारे लोग चले गए, सेम उसी प्रकार से फोर्स्ड माइग्रेशन यानी एनवायरमेंट के कारण भी होता है बलात् प्रवासन, याद रखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद ऑब्वियस सी आइस की समुद्री बर्फ की कवरेज में कमी हो जाएगी, पिघल जाएगी, भीषण बाढ़, भोजन में कमी ऑब्वियस बाढ़ आएगी, तो क्या होगा, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत नुकसान होगा, संपूर्ण विश्व में खाने की कमी होगी, ये सारे इंपैक्ट है, याद रखिएगा। बस ये सारी बात बताइए, 2021 वाला आर्कटिक 7th वार्मेस्ट और 2022 6th यानी वार्मेस्ट एंड 6th सबसे गर्म वर्ष रहा है, आप देख सकते हैं, ये सारी बात बताइए। और 1960 के बीच, यानी 1960 के दशक से खासकर 1965 से अगर हम देखें, आर्कटिक जितना उस समय गर्म था उसमें 3.5%, और आप क्या करिए, 3.5% या 3%, 3 डिग्री सेल्सियस ये ज्यादा गर्म हो गया है, तो ऑब्वियस है गर्म हो रहा है। अब अगर गर्म हो रहा है तो क्या क्या उसका इंपैक्ट पड़ेगा, हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आईटीवाईपी की तरफ चल देते हैं, जिससे असली टारगेट हमारा पता लग जाए, जीएस एंड ज्योग्राफी, जीएस एनवायरनमेंट, अब वही से क्वेश्चन आपके सामने बनता है, क्या प्रश्न बनता है, जरा एक बार विचार करें, व्हाट आर मेजर कंसर्न रिलेटेड टू द राइजिंग टेम्परेचर इन द आर्कटिक रीजन, क्या कह रहा भाई, आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ते तापमान से संबंधित प्रमुख चिंताएं क्या है, ठीक है ना, चिंताएं क्या है, आपने पढ़ लिया, ये है चिंताएं 1 2 3 4 5 6 7, कुछ करना नहीं, आंसर राइटिंग यहीं से सीखे, आप कहते हैं आंसर राइटिंग आती, इससे अच्छी आंसर राइटिंग कहीं नहीं सकती, जो यहां पर मैं कह रहा हूं, व्हाट आर इट्स पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस एंड हाउ विल इट इंपैक्ट द पीपल इन द रीजन, यानी इसके संभावित परिणाम क्या है और इसका क्षेत्र के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चर्चा कीजिए इसके संभावित परिणाम क्या है और लोगों पर क्या इंपैक्ट, तो हम क्या कर रहे थे, ऑब्वियसली संभावित परिणाम, तो पहला है थॉमिंग, तब सी परमाफ्रॉस्ट, समुद्र में परमाफ्रॉस्ट पिघल जाएगा, अब परमाफ्रॉस्ट क्या होता है जरा देख सकते हैं, ये बड़ी गंभीर स्थिति है, ठीक है, इसमें ये आप देख सकते हैं कहां है, ग्राउंड सर्फेस एक्टिव लेयर, ये है परमाफ्रॉस्ट, ये वाला एरिया आप देख सकते हैं, ठीक है, ये है नीचे वाला अनफ्रोजन ग्राउंड, उसके ऊपर आप देख सकते हैं, यानी इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है, सॉयल, सेडिमेंट और ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, और ये क्या होता है, ठंडे तापमान के कारण ये वाला एरिया बर्फों से जमा हुआ, यानी मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या क्या शामिल होता है, परमाफ्रॉस्ट के लिए याद रखेगा, मिट्टी, तलछट और कार्बनिक पदार्थ इसके अंतर्गत शामिल है, जो ठंडे तापमान के कारण हजारों वर्षों से जमे हुए, अब हजारों वर्षों से जो जमे हुए हैं अगर ये पिघलेंगे ड्यू टू आर्कटिक में बढ़ता तापमान तो क्या होगा, तबाही तबाही और तबाही, ठीक है, आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है ना, अब बताने की आवश्यकता नहीं, जैसे ही समुद्र के नीचे का ये जो परमाफ्रॉस्ट है ये पिघलता है, प्रिलिम्स के लिए याद रखिएगा, परमाफ्रॉस्ट ये मैं समझेंगे मेंस के लिए है, परमाफ्रॉस्ट जब क्या होगा यानी पिघलेगा तो उसकी क्या क्या इंपैक्ट होंगे वो भी आपको ध्यान रखनी जरूरत है, तो ये मीथेन और CO2, ठीक है ना, क्या है, यानी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ता है जो ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ाएंगे, उसके साथ साथ समुद्र के अम्लीकरण यानी सी एसिडिफिकेशन को भी बढ़ावा देंगे, तो इसको जरा पढ़ लीजिएगा प्रिलिम्स के लिए। फिर फूड इनसिक्योरिटी, चूंकि ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन पूछता हूं, हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चे, फिर अभी बात कहूंगा, तो यहाँ पर मैं किसी को छोटा बड़ा करने के लिए नहीं कहता हूँ, जो बात कहता हूँ आपके भले के लिए, खुद ही बहुत छोटा टाइप का आदमी हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे जो आप पढ़ने किताबों में जो भी मार्केट में, क्यों वो फेल हो जा रहा, क्यों यूपीएससी आगे निकल जा रहा, क्योंकि आपने एक टेंडेंसी बना ली कि जो हम कोचिंगों में और इन समय पा रहे हैं वही हमारे लिए बना, लेकिन वो कंटेंट आपके जैसे बच्चे ही बना रहे, किसी ने एक प्रीक्वालिफाई कर लिया, किसी ने नहीं किया, बट ये ध्यान से समझेगा, ये जो एडिटोरियल्स लिख रहे हैं ये कौन लोग हैं, जरा ध्यान से समझिए, फिर आपको हिंदू क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हिंदू को लाखों लाख बच्चों को देखना चाहिए यूपीएससी करने के बाद, 400-500 नहीं, ये कौन लिख रहा है, आप खुद सोचिए कि जितने भी कंटेंट आप पढ़ रहे हैं आज कोचिंग के, वो सबसे बनाता कौन, चलिए बताइए, ऑब्वियस बड़ी बड़ी कोचिंगों में जो सबसे बड़े बड़े डिग्रीज हैं जिनका फेस देख करके आप जाते हैं, क्या वो कभी कंटेंट बनाते हुए दिखेंगे आपको, पढ़ाते नहीं तो बनाते हुए कैसे दिखेंगे, यहाँ पर किसी की कमी बताने नहीं आया, मैं जो बताना चाहूँ समझे आपके फ्यूचर की बात, आपके भले की बात, मुझे एग्जांपल देना पड़ा, मजबूरी मैंने किसी का नाम भी ना, ठीक है, क्योंकि मैं आपको सबसे छोटा मानता हूँ, लेकिन बस आप ये सोचिए कि जब आपके जैसे ही कुछ लोग कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसमें क्या ये जो अभी जो यानी जो इंडियन एक्सप्रेस में लिखे हैं क्या इतना ज्यादा स्पेशलाइजेशन उनके पास होगा, प्लीज बताइए, या जो हिंदू में लिखे हैं उनकी जैसा जो स्पेशलाइजेशन, या जो इंडियन एक्सप्रेस में लिखे हैं डाउन टू अर्थ नितिन डेकन में लिखे हैं उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस मेरा या उन बच्चों का है, बच्चों की कमी वो भी ब्रिलियंट है, जो एमसीक्यू बना ले, जो पीवाईक्यू बना ले, ऐसा फॉर्मेट है वो सब सैल्यूट किए हुए हैं, ब्रिलियंट है आप सब, जो एकलव्य आजमा कर रहे हैं, बट मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो लिखते हैं ना ये विद्वान लोग हैं, इन विद्वानों को फॉलो करिए आपको यूपीएससी निकालना आसान हो जाएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं, बस और कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं, इतनी बात को समझाने का जो पूरा ब्रेक था यही, ठीक है, तो जीएस वन ज्योग्राफी आपके सामने इंपॉर्टेंट जो फेनोमेना मिला ऑब्वियस, ठीक है, और जीएस थ्री एनवायरनमेंट यानी कंजर्वेशन क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ठीक है, ये सारे मुद्दे हो गए, ये सारी चीजें होंगी, इसी हिसाब से आपको पढ़ना, फिर भोजन की स्वच्छ,
आप कहेंगे सर ये क्या, अरे भाई आर्कटिक रीजन में भी तो लोग रहते हैं ना भैया, और लोग रहते हैं तो आर्कटिक में जो भी रिसोर्सेज उपलब्ध उसी से खा करके अपना पेट पालेंगे। तो वहां पर मिलती है चिनूक और सैल्मन मछली जिसको वहां के नेटिव लोग खाते हैं, लेकिन अगर इस प्रकार की गर्मी बढ़ रही है तो ऐसे में सैल्मन छोटी हो गई और संख्या भी कम हो गई, ऐसे में जो वहां के इंडिजीनियस कम्युनिटी समुदाय है उस आर्कटिक रीजन के उनको खाने का भी संकट हो जाएगा, यानी फूड इनसिक्योरिटी भी वहां पर बढ़ जाएगी। तीसरा, आप बढ़ती जंगल की आग अरेगिंग वाइल्ड फायर्स देख सकते हैं कनाडा नॉर्थ अमेरिका इन सब में आप देख सकते हैं, ठीक है ये सारी बातें जो आपको देखनी है, सीवियर फ्लडिंग यानी भयानक बाढ़ आ जाएगी, ठीक है ना। और आप देख सकते हैं बड़ा अच्छा पॉइंट आ रहा है, अलास्का में एक ग्लेशियर प्रीलिम्स के लिए ग्लेशियर्स और फिर वो कहां पाए जाते हैं, फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा भाई इसमें से कितने पेयर मैच है, कितनी जोड़ी सुमेलित है, तो अलास्का में जो पाया जाता है मेंडल हॉल ग्लेशियर, इसको आप याद रखिएगा। तो यहां यही कहा गया ये टेम्परेचर बढ़ रहा है जिसके कारण से जो अलास्का का मेंडल हॉल ग्लेशियर है वो काफी पिघल गया, ठीक है आप देख सकते हैं, और वार्षिक बाढ़ का कारण बनता है अलास्का यूएसए, आप यहां से देख सकते हैं। ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर पिघल रही है आर्कटिक के बढ़ते तापमान का, यह असर आपके सामने है याद रखिएगा, ठीक है ना। और अब क्या होगा अगर ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर आइस पिघलेगी तो ग्लोबल सी लेवल राइज होगा, ग्लोबल सी लेवल राइज होगा तो मालदीव जैसे देश समस्या में आएंगे कि नहीं, आप देख सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो आपको देखें।